हेलो गाइस, दिस इज मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट योर एक्स बैक आफ्टर अ बिग फाइट। कैसे अपनी एक्स को वापस लाएं आफ्टर अ बिग फाइट, जब आपकी लड़ाई हो जाए, बहुत बुरी सी अक्सर हो भी जाती है और उस टाइम जज्बात में पता नहीं चलता, गुस्से में आप होते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि दे डोंट वॉन्ट यू बैक एनी मोर। सो इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोस बनाता हूँ। अगर आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो क्या ऐसी चीज़ है जो आपकी रिलेशनशिप को दोबारा से नॉर्मल कर सकती है आपकी लड़ाई के बाद भी? तो पहली चीज़, टेक अ स्टेप बैक। सबसे पहले आपको एक स्टेप बैक लेना पड़ेगा। इस टाइम आप इतने इमोशंस में हैं कि आपका दिमाग कहीं और जा रहा ही नहीं है। कभी आप दिमाग में उनको ब्लेम कर रहे हैं और कभी, क्योंकि आपके ऊपर इमोशंस इतने हावी हैं, तो कभी आप उनसे माफ़िया भी मांग रहे हैं कि अच्छा छोड़ो, लेकिन अपने दिमाग में ही, ठीक है। और ये गलतियां हम सब करते हैं क्योंकि ये हम नहीं होते, ये हमारे इमोशंस होते हैं और हमारा माइंड अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया कि वो हमें सेफ रखना चाहता है, ठीक है। तो जैसे इस तरह का कुछ होता है तो हमारा माइंड हमें बार बार वो मेमोरीज याद दिलाता है, बार बार दिमाग में रिपीट करता है बातें ताकि वो इंसान वापस आ जाए और इससे आप सेफ़ फील करेंगे। लेकिन इन रियलिटी ये है कि आप वैसे भी सेफ हैं, आपकी ज़िंदगी कोई ख़त्म नहीं होने वाली। यू नो 99% ये चांसेस हैं कि उनके जाने से आपकी रोटी बंद नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन क्योंकि आप डरे हुए हैं तो आप इस तरह की हरकतें करते हैं, फिर आप पे कंट्रोल नहीं रहता और आपको मैसेज भी कर देते हैं, कॉल भी कर देते हैं, या कभी कभी आप गुस्से में और ज़्यादा मैसेजेस करते हैं कि आप वापस मत आना और गाली गलौच एंड ये एंड वो, और इससे आप अपने जो थोड़े बहुत चांसेस होते हैं वो भी ख़त्म कर देते हैं। तो अगर लड़ाई हो जाए सो एक स्टेप बैक लें, एक वीक ले लें या जब तक उनका मैसेज नहीं आता स्टेप बैक करें, आराम से सुकून से गुस्से को ठंडे होने दें उनके भी और अपने को। फिर जब उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो और आपको लगे कि बात कर सकते हैं तो मे बी आप एक बार ट्राई कर सकते हैं बात करके, लेकिन कोशिश करें कि वो बात जो है वो कॉल पे हो या फेस टू फेस हो। टेक्स्ट पे लंबे लंबे आर्ग्यू मत किया करें, टेक्स्ट में कोई फीलिंग नहीं होती। अक्सर लोगों के ब्रेकअप टेक्स्ट के ऊपर हो जाते हैं और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एक पैराग्राफ वो भेजता है, फिर आगे से पैराग्राफ वो भेजती है और मसला ये है कि दोनों ने एक दूसरे का पैराग्राफ गौर से पढ़ा ही नहीं होता, वो पहले से जो उन्होंने माइंड में बनाया होता है वो भेज देते हैं और इस तरह की वॉर चल रही होती है एसएमएस के ऊपर, टेक्स्टिंग के ऊपर, और जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हो जाता है। और फिर इन दी एंड आप एक जब मैसेज भेजते हैं तो वो जस्ट एक टिक जाता है, दो नहीं होते क्योंकि आप ब्लॉक हो चुके होते हैं और तब तक देर हो चुकी होती है। तो इसलिए जब भी कोई सीरियस बात करनी हो कॉल पर करें ताकि आपकी वॉइस टोन को वो सुने, वो फीलिंग्स को समझें। और एक हम जब अपने किसी लवर की, जिससे हम प्यार करते हैं, जब हम उसकी आवाज़ सुनते हैं तो हमारे दिमाग पे एक अलग सा असर होता है अकॉर्डिंग टू साइंस, ठीक है। हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमें एक नशे सी, जैसे एक नशा आवर इंसान को अचानक से नशा मिल जाए तो उसको एकदम अच्छा फील होता है, ठीक है। तो लव भी एक एडिक्शन है, तो जैसे आप अपने पार्टनर की आवाज़ सुनते हैं कॉल के ऊपर या फेस टू फेस उसे देखते हैं तो आपको अच्छा फील होता है। सो इसलिए कॉल पे बात करना लाजमी है, ठीक है। टेक अ स्टेप बैक एंड देन टॉक टू देम आफ्टर फ्यू टाइम्स। ये लेकिन मोस्टली उनके लिए जो लिव इन रिलेशनशिप में है या वाइफ हस्बैंड एंड वाइफ है उनके लिए ये बेटर है। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं तो फिर बहुत जल्दी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। जब तक वो खुद ना आए वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सेकेंड चीज़ जो आपकी लड़ाई के बाद भी आपके रिलेशनशिप को बेटर कर सकती है वो ये कि रिमाइंड योरसेल्फ दैट दे आर योर टीममेट। अपने दिमाग को ये बताएं कि जिससे आपकी लड़ाई हुई है वो आपका लाइफ पार्टनर बन सकता था, आप दोनों ने सपने देखे थे एक साथ रहने के, दे लव यू, दे केयर अबाउट यू एंड यू लव देम एंड यू केयर अबाउट देम, बिकॉज ऐसी सिचुएशन में आप सब कुछ भूल जाते हैं, आपके अंदर इतना गुस्सा भरा होता है कि आपको लगता है कि यार मुझे नहीं चाहिए, ये इंसान बहुत घटिया है और ये और वो और सारी, मतलब हम एज अ ह्यूमन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब हम किसी चीज़ को हेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा हेट करते हैं और जब लव करते हैं तो बहुत ज़्यादा लव करते हैं।
जब हम लव करने पे आते हैं तो सारी बुराइयां भूल जाते हैं उनकी, और जब हेट करने पे आते हैं तो सारी अच्छाइयां भूल जाते हैं, सारे उस पलों को भूल जाते हैं जिसकी जिसमें उन्होंने आपके लिए सेक्रीफाइस किया था। अभी आपको कुछ भी वो याद नहीं आ रहा, अभी बस आपको हेट फील हो रही है। तो इसलिए अपने दिमाग को याद दिलाएं कि दे वर योर टीम मेट, वो आपके टीम मेट थे, ठीक है। उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, आपसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये भी देखा है, मेरे साथ पर्सनल रिलेशनशिप में ये हुआ है कि हमने बस हर चीज़ ना ईगो पे रखी होती है। मुझे लगता है कि वो मुझे माफ़ नहीं करेगा और उससे लगता है कि मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन जब आप कभी कभी उनसे बात करते हैं तो अचानक से पिघल जाते हैं, दोनों ही के साथ ऐसे होता है। लेकिन ये रेयर केसेस में होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उन्हें मैसेज करके दोबारा ट्राई करने लग जाएं, क्योंकि ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है ये, स्पेशली जब आपका रिलेशनशिप बहुत लंबा चला हो और आपको सालों से एक दूसरे की लत लगी हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपके रिलेशनशिप में रोमांटिक बातों के अलावा भी कुछ है शेयर करने को, तो आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहेगा। चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोजेक्ट हो, आप साथ पढ़ते हैं या आप जॉब करते हैं, या वैसे ही आपका दोनों का माइंड मिलता है, आप किसी टॉपिक पे बातें करते हैं, सुनते हैं, तो वो रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप होगा। या आप अगर आपकी अच्छी फ्रेंडशिप है, बस सिंपली ये कहना चाहूँगा, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। फिर शायद वो आपको माफ़ जल्दी कर दें अगर आप उन्हें मैसेज कॉल करें, लेकिन अदरवाइज़ मैं रिकमेंड नहीं करता। क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम ये है कि आजकल रिलेशनशिप बड़े शॉर्ट हो गए हैं, 6 महीने का, 3 महीने का रिलेशनशिप होता है, और फिर आप उसको दिल पे लेके बैठ जाते हैं कि और वो वापस आएगी नहीं आएगी। नहीं, आपको पहले ही समझना चाहिए कि रिलेशनशिप था इतना कम, मे बी शायद वो आपको हील करने के लिए यूज़ कर रहे थे, या मे बी शायद वो आपको जस्ट टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि आजकल अवेलेबिलिटी इतनी है, ठीक है। उसको पता है कि आपके जैसे उसके पास, स्पेशली लड़कियों में आजकल बहुत ज़्यादा नार्सिसिज्म बढ़ गया है, खुद पसंदी लड़कियों में बहुत ज़्यादा है आजकल के दौर में, क्योंकि उनके पास अवेलेबिलिटी बहुत है। नॉर्मल से नॉर्मल लुकिंग लड़की भी जो होगी ना, उसको भी दिन में कोई 100 मैसेज इंस्टाग्राम फेसबुक पे आते हैं, तो इसलिए वो इतनी तंग आई होती है उस, तो इसलिए जब आप थोड़े बहुत नखरे दिखाते हैं तो वो कहती है कि तेरे जैसे तो 1000 पड़े मेरे पास, यू नो। आई नो कॉन्शियसली शायद वो ऐसा ना कहती है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में उसके कहीं ना कहीं ऐसे ही आती है बात, जिसकी वजह से वो फ़ौरन दूसरे के पास और फिर तीसरे के पास और चौथे के पास और फिर आप दिल को पकड़ के रो रहे होते हैं। तो इसलिए प्यार भी करें, उनको अपना टीममेट समझें, लेकिन गुस्से भी मत ज़्यादा। आखिरी चीज़, अगर आपकी लड़ाई हो गई तो मैं ये कहूँगा कि अंडरस्टैंड देयर साइड ऑल्सो, ठीक है। हमारा मसला ये है स्पेशली दोनों जेंडर्स में कि जब हमें कुछ सुधारने की कोशिश करता है या जब हमें कोई बताता है ना, अगर आपको उसकी बात पे अमल नहीं भी करना, इट्स ओके। फॉर एग्जाम्पल उसने बोला तुम ऐसे बाल रख लो, और तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे ऐसे ही रखने हैं जैसे मेरे हैं, या वो कह रही है कि तुम दाढ़ी बढ़ा लो और तुम कहते हो कि नहीं मुझे क्लीन शेव रहना है, ये तुम लोगों की आपस की बात है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट उसकी रीजंस को समझने की कोशिश करेंगे, वो ऐसा क्यों कह रही या क्यों कह रहा है, दोनों जेंडर्स के लिए। अगर वो आपको कहता है कि यू नो इस तरह के कपड़े पहने करो और दुपट्टा लिया करो या यू नो, तो उसके रीजंस को समझने की कोशिश करें। ह्यूमंस के पास बैक ऑफ द माइंड रीज़न होती है, मे बी वो आपको नहीं बताते, तो जब आप उसकी रीज़न को समझेंगे तो फिर आपको गुस्सा शायद ना आए। आप डिसएग्री फिर भी हो सकते हैं कि यार मुझे ऐसा नहीं करना, लेकिन शायद आपको गुस्सा ना आए क्योंकि आपको समझ होगी कि, तो इसलिए जिंदगी में वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज स्टार्ट विद वाई। इतनी प्यारी बुक है जो कि एक बिजनेस बुक है और सेल्फ हेल्प बुक है, लेकिन मैं वो रिकमेंड करूँगा। उसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत प्यारा लगा कि ऑलवेज आस्क वाई, पूछें वाई वाई आई वांट टू डू दिस, क्यों 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 क्यों, एक बहुत पावरफुल सवाल है। जब आप क्यों पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो आपको कुछ बता रहा है, सो जब वो आपको समझा रहा हो और उस टाइम अगर आप उससे पूछते हैं कि वाई यू वांट टू डू दिस, तो शायद वो आपको एक्सप्लेन करे, फिर आपको कम गुस्सा आए। सो इसलिए उनकी साइड को समझने की कोशिश करें कि वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियाँ हो सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्श मत बने, ठीक है। मेरी इन सारी वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि आपको एक बैलेंस लाइफ जीना आए। एज अ ह्यूमन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि या तो हम बहुत एक्सट्रीम पे होते हैं कि मुझे ये बंदा चाहिए नहीं और आई हेट यू एंड ऑल दिस, ये बहुत घटिया इंसान है और इसमें कोई अच्छाई नहीं, या फिर आप बहुत ही ज़्यादा नीडी लवी डवी होते हैं कि उसकी हर गलत बात भी मान रहे होते हैं।
सो मेरी सारी वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि आप एक बैलेंस लाइफ गुजारें, ठीक है। अगर वो गलत करें तो उन्हें साफ बताएं कि ये चीज़ ऐसे गलत है, ऐसे रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो आपको ये चीज़ें चेंज करनी होगी, वो भी आपको बताते हैं, आपको भी बतानी चाहिए। और यही एक अच्छे रिलेशनशिप की बात है कि आप बात करें, जितना आप बात करते हैं उतना रिलेशनशिप अच्छा होता है, ठीक है। सो कोशिश करें उनकी सुने और उनकी साइड को समझें और अपनी साइड सुनाएं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ गुड डे।